सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। बहुत ही शानदार ये भैंस आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी जो बॉडी वेट है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मिल्क लाइन के बारे में भी पूछेंगे अंकित भाई से। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएँ उसकी जानकारी आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक जो पेज है हमारा उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़े रह सकते हैं। मुर्रा डेयरी फार्म हरियाणा के नाम से हमारा पेज है। तो अभी अंकित भाई से बात करेंगे डिटेल से जोटी के बारे में। अंकित भाई साहब, कौन सा गांव है ये? ये डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, तहसील बारड़ा, गांव लाडावास। गांव लाडावास और तहसील बारड़ा और डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। ठीक है, नया जिला बन गया चरखी दादरी। तो ये कौन सी बार की ब्याई है भाई साहब जोटी? ये सेकंड बार भी आएगी भाई साहब। दूसरी बार भी आएगी, पहली बार आपके पास ही थी? हमारे पास ही थी। तो कितने एक दिन बाकी हैं भाई साहब ब्याने के? अभी 4-5 दिन और ले लेगी। इसका टाइम तो वैसे लगभग पूरा हो गया, लेकिन कवरिंग टाइम में 4-5 दिन, आप 1 वीक भी ले सकती है। हाँ हाँ, तो भाई साहब ये जो पहली बार जब ये ब्याई थी तो उस टाइम कितना दूध दिया था इसने? 20+ निकाला सुरेंद्र भाई, 20 किलो से ऊपर दूध दिया है। तो आपके घर की कटड़ी है कि खरीदी थी आपने? नहीं, ये खरीदी थी भाई साहब मैंने। अच्छा, तो कितने दिन इसको आपने दूध से छोड़ा है भाई साहब? ड्राई पीरियड कितने महीने का? इसको 2 महीने 15 दिन, 2.5 महीने के करीब छोड़ा है। अच्छा, 2.5 महीने के करीब, जो हरियाणा का मोस्टली रूटीन है कि ज़्यादा दूध वाले पशु को 2.5 से 3 महीने तक ड्राई किया जाता है। तो लगभग वही जो है सिस्टम अपनाया है अंकित भाई ने। तो भाई साहब इस बार क्या उम्मीद करते हैं, कितना दूध निकाल देगी जो? उम्मीद सुरेंद्र अच्छी तरह से ब्या जाएगी, वो डिलीवरी पे भी डिपेंड करता है थोड़ा मौसम के हिसाब से। मौसम भी अच्छा है, अगली बार मैं 25+ की उम्मीद रखता हूँ। अच्छा अच्छा, 25+ की उम्मीद है भाई की। डिलीवरी की जो बात की है भाई साहब ने, वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर पशु अच्छी तरीके से काविंग ना हो, बच्चा देते वक्त कोई समस्या आ जाए, जैसे जहर ना गिरना, पीछा दिखाना, तो इन समस्याओं के कारण पशु दूध बहुत ही दिक्कत आ जाती है, बुखार हो जाता है कई बार पशु को। दूध वाले पशु है जो मिल्क फीवर में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी वो रूटीन नहीं बना पाते। हाँ, मिल्क फीवर में मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी सबसे जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत जरूरी होती है। मिल्क फीवर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ज़्यादा दूध वाली वैसे मोस्टली मिल्क फीवर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको भाई साहब कौन से बुल से प्रेग्नेंट करवा रखा है आपने? अर्जुन का बच्चा है और रानी भैंस का दारा, जो लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का है। अच्छा, लक्ष्मी डेयरी फार्म का जो दारा बुल है उससे प्रेग्नेंट करवा रखा है। और ये कटड़ी इसकी पिछले ब्यांत की है? हाँ, इसकी पिछले ब्यांत की है। अच्छा, ये कितने महीने की होगी भाई साहब? ये 14 महीने की होगी। 14 महीने की। तो इसका फादर कौन है भाई साहब? इसका फादर अर्जुन कुंगड़। अर्जुन कुंगड़ काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं अंकित भाई, और अच्छे पशुओं का शौक रखते हैं। देखिए कटड़ी अर्जुन की कटड़ी है। तो ये तो आपने खरीदी थी, तो कंफर्म कहाँ से किया गया अर्जुन? मेरा एक जानकार डॉक्टर था, उसके द्वारा यही की गई थी, सिंघाणी का। अच्छा अच्छा, सिंघाणी गांव के डॉक्टर थे। ठीक है, एक बार कटड़ी को घुमाना भाई साहब उस साइड। तो 14 महीने की कटड़ी अर्जुन की बेटी है, और लंबाई चौड़ाई ऊँचाई बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल छोटे सिंह की कटड़ी बनेगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर और अच्छी कटड़ी है। ये देखिए, और जो भैंस है, ये देखिए जो पेठ पुट्ठा है भैंस का, वजन देखिए कितना है भैंस में, बहुत ही काफ़ी शानदार चौड़े पेठ की भैंस है। और लगभग 4-5 दिन ले लेगी। थोड़ा सा ये जो एरिया है बालू मिट्टी का एरिया है, और यहाँ पे पशुओं को खोलने का सिस्टम नहीं है। जो हमारे दूसरे एरिए हैं भिवानी ज़िले के, वहाँ पे पशु तालाब में जाते हैं, खुलते हैं, तो वो इतना थोड़ा कंट्रोल में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको ओपन जगह मिल जाती है, पैर खुल जाते हैं उनके। ये पशु ऐसी जगह बंधे हैं भाई के यहाँ पर खोलने का सिस्टम नहीं है, उस कारण से थोड़ा सा स्टैंड थोड़ा सा कहना कम मान रही है भैंस। ये देखिए अडर और थन, जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ही बढ़िया, 4-5 दिन तक काफ़ी बढ़िया अडर बना लेगी छोटी।
ये देखिए काफ़ी अच्छा आर्डर बनाएगी जोटी। चार पांच दिन अभी बाकी हैं ब्याह के, तो खूब जो आर्डर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए जो आर्डर की लंबाई देखिए, काफ़ी लंबे आर्डर की जोटी है और थनों का गैप भी काफ़ी बढ़िया, बहुत ही अच्छी वजनदार जोटी है। ऐसे इतने वजन के पशु बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अंकित भाई साहब, लगभग ऊंचाई कितनी है जोटी की? इसकी 5 फुट की ऊंचाई है सर। 5 फुट और लंबाई? लंबाई तो नापी नहीं है, लेकिन लगभग इसकी 14 फुट के करीब लंबाई होगी। 14 फुट के, अच्छा, पूंछ समेत, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, इतने वजन के पशु बहुत ही कम मिलते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी और शानदार भैंस है, काफ़ी बढ़िया। 25+ की उम्मीद, 20+ दूध पहले ब्यांत में दिया है। जब 20 किलो दूध पहले ब्यांत में दिया तो भाई साहब कितने दांत थी? 4 दांत थी सर। 4 दांत थी। अभी तो मिल गई होगी फिर दांतों? अभी पूरे दांत अभी करे हैं इसने, 1 महीना पहले कर गई। अच्छा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब, जो इसका ड्राई पीरियड था उस टाइम पे आपने कुछ घी तेल वगैरह भी दिया है भैंस को? हाँ, तेल दिया है सुरेंद्र 5 किलो, मिनी मिक्सर में रूटीन में देता हूँ, इनर बूस्ट दिया है 5 किलो इसको। अच्छा, ठीक है। तो घी वगैरह नहीं दिया? नहीं, घी नहीं देते हम, तेल ज़्यादा देते। अच्छा, घी कई बार कई फार्मर सोचते हैं कि दूध नहीं देंगे पशु, इस कारण से घी का चलन कई कई जगह कम है और कई कई जगह में ये तेल ज़्यादा खाती है, रूटीन में तेल एक खाना पसंद करती है, रोज रूटीन का 250 ग्राम के करीब तेल खाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वैसे फीड में, जो रूटीन में फीड घर पे खाना यूज करते हैं पशुओं का, फीड क्या यूज करते हैं? फीड में हम देते हैं गेहूँ का दलिया और चना का अंडा। अच्छा, और कच्ची घाणी की छल। हाँ हाँ, और कुछ अपना जैसे कि भाई मतलब तारा मीरा वगैरह भी दे देते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, के हिसाब से जैसे गर्मी के टाइम में थोड़ा कम देते हैं। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम फीडिंग जो अपना शेड्यूल है हरियाणा का, लगभग वही शेड्यूल रहता है 2 टाइम का। पका के डालते हैं हम, पका के दलिया को और तारा मीरा भी मिक्स करके। अच्छा, चने का टुकड़ा वगैरह जो भी फोलर वगैरह। हाँ हाँ, पका के डालते हैं, पका के डालते हैं, ठीक है। तो अंकित भाई, आप अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे पशुओं का शौक रखते हैं, जो एक अपना आम पशुपालक है उसको क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे पशु रखे, क्या नस्ल सुधार में योगदान दे? मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि एक तो जो सीमन यूज करते हैं वो एक DNA टेस्टेड बुल का हो और अच्छी लाइन का, उसके मदर फादर का रिकॉर्ड देखा जाए, और फिर अपनी जनरेशन सुधारने के लिए धीरे धीरे उनको अलग अलग चेंज करके अलग बुल, जैसे अभी ये कटिया दे दारा से, तो इसको दूसरे बुल से उसकी कटिया को क्रॉस करवाएं, उससे दूसरे को करवाएं, ऐसे करके हम प्योरिटी ला सकते हैं। बिल्कुल, दूध की जो मतलब एक लिमिट है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो शायद अभी उसका रानी का रिकॉर्ड किसी से टूटा नहीं बच्चे के अंदर, तो इसीलिए मैंने इसको दारा का सीमन करवाया था। और एक उसके फादर की लाइन भी बहुत अच्छी है अर्जुन की। अर्जुन की कटड़ियाँ भी काफी दूध की आई हैं। हाँ, अभी और... ये पड़ोस के गाँव में ब्याने वाली है, लगभग उम्मीद रखते हैं उससे 18-19 किलो की। अच्छा, टाइम में पहले ब्यांत में? हाँ, और 19 भी आ जाएगी वो। अच्छा, खीरी बच्चा दे देगी, अदंत जिसको कहते हैं, 19 का मतलब भाई का कहने का अदंत है, खीरी जो 2.5 साल से कम उम्र की होती है। इसमें हमारे एरिया में सबसे ज्यादा बच्चे AI किए हुए हैं, 500 के करीब अर्जुन के। अच्छा, अच्छा, उसके बाद कोई और स्पेशल बुल का यूज हुआ हो आपके एरिया में? अभी हमारे एरिया में तो जैसे उसके बाद वही डॉक्टर करते हैं, सोरखी वाली भैंस का भी किया है उन्होंने, दन्ना सोरखी और दारा। हाँ, दारा को ज्यादा पसंद करते हैं अर्जुन की लाइन की वजह से। अच्छा, अच्छा, तो अभी जितनी भी AI की गई है लगभग 60-70 के करीब लक्ष्मी डेयरी फार्म दारा की गई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए काफी शानदार भैंस है और बहुत ही बढ़िया दूध की लाइन की, दूसरी बार ब्याने वाली जोटी, दांतों से मिली हुई, वजन काफ़ी अच्छा, और अंकित भाई को उम्मीद है 25+ देने की। बाकी बात यह है कि 25 किलो दूध बहुत मुश्किल हो जाता है, एक फार्मर है जो ओनर है पशु का उसको भी पसीना आता है और जो भैंस है उसको भी, बिल्कुल उसको उससे भी ज़्यादा पसीना आता है, मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये दूध जो 24-25 किलो 23 किलो
26-27 किलो निकालना बहुत बड़ी बात है। जो कंपटीशन में जिन्होंने दूध 25 प्लस दिया है वो बहुत बड़ी मेहनत है उनकी, और बहुत बार बहुत सारे भाई उनकी मेहनत पे उंगलियां उठाते हैं, वो गलत है। इसमें हम जैसे कि कहेंगे जयसिंह भाई हैं सुरखी से, रमेश हैं दानसु से, और लक्ष्मी डेयरी फार्म है, करमवीर सुनारिया है, उनकी काफ़ी अच्छी भैंसें हैं और काफ़ी अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया है, तो बहुत ही शानदार पशु हैं इनके पास, और ये भी उम्मीद करते हैं उसी कैटेगरी में जाके खड़ी होगी जोटी दूसरे ब्यांत में। तो हमें आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी जोटी और ये कटड़ी, और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो हम काफ़ी कुछ बताने की भी कोशिश करते हैं वीडियोज़ में कि नई नई बातें एक नए नए फार्मर को या जो जिस एरिए में पशुपालन का ज़्यादा शौक नहीं है उस एरिए के पशुपालकों को हमारी वीडियोज़ के माध्यम से एक पशु ना दिखा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा भी संदेश दें कि उनके जो उनका जो पशुपालन का काम है उनके एरिए में उसमें उनको फ़ायदा मिले। जो फीड के बारे में पूछना है या सीमन के बारे में पूछना है उसके बारे में ज़रूर हम कोशिश करते हैं कि एक फार्मर से उसकी राय ली जाए और उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। ठीक है भाइयों, आप हमें कमेंट्स में बताना आपको ये कैसी लगी जोटी, जब ये बच्चा दे देगी और दूध पियाएगी तो आपको दोबारा इसकी वीडियो दिखाएंगे, इसको दूध पियाने के बाद क्या टाइम तोल के इसकी रिकॉर्डिंग करवा के लाइव दिखाया जाए। लाइव दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अंकित भाई। अगर 25 प्लस की किसी और भाई के पास भी भैंस हो तो मैं दूध को रिकॉर्ड करना ज़्यादा उचित नहीं मानता, कई बार एक टाइम दो टाइम का दूध, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग ज़रूर करेंगे। कोई भैंस अगर 25 प्लस की किसी भी भाई के पास हो तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसका दूध हम रिकॉर्ड करवाएं, लाइव दिखाएं भाइयों को। ठीक है भाइयों, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी अंकित भाई की आज की जो जोटी है, बहुत ही शानदार। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।